राजा दशरथ सूर्यवंश के बहुत वीर योग्य उत्तराधिकारी थे। एक दिन वे सिपाहियों के साथ शिकार करने के लिए वन में गए। राजा दशरथ और उनके सिपाही वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें पानी में आवाज सुनाई दी। उन्होंने समझा कि कोई जानवर नदी में पानी पी रहा है। उन्होंने आवाज की दिशा में तीर चला दिया। जब महाराज ने वहां जाके देखा तो उन्होंने देखा कि वहां एक युवक उनके तीर से बुरी तरह से घायल पड़ा हुआ था। जब महाराज उस युवक के पास पहुंचे और उनसे बात की तो जाना कि वह युवक श्रवण कुमार था, जो अपने अन्य माता पिता की एक लौती संतान था। वो अपनी प्यासी माता पिता के लिए पानी लेने आया था। श्रवण कुमार अपने बूढ़े माता पिता को कुंवर में रखकर तीर्थ यात्रा करने निकला था। जब उसके प्राण निकलने लगे तब भी उसको उसके माता पिता की चिंता सता रही थी। उसने महाराज को पानी से भरा बर्तन देते हुए उनके माता पिता को दे आने का अनुरोध किया। श्रवण कुमार के भोले माता पिता ने दशरथ के हाथ से पानी तो पी लिया। महाराज ने श्रवण के माता पिता को बताया कि अनजाने में उनके बांध से श्रवण की मृत्यु हो गई है। अपने पुत्र की मृत्यु के समाचार से उन्होंने दशरथ को पुत्र शोक का श्राप दे दिया। राजा दशरथ बहुत दुखी रहते थे क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। एक दिन वशिष्ठ ऋषि ने राजा को अश्वमेध यज्ञ करने की सलाह दी। इस बीच रावण ने ब्रह्मा से अमर होने का वरदान पा लिया था और वो स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक पर उत्पात मचाने लगा था। देवताओं ने विष्णु भगवान से सहायता मांगी। तभी तेजस्वी आकृति प्रकट हुई और उसने दशरथ को देवताओं की ओर से खीर से भरा बर्तन दिया। राजा दशरथ ने वो खीर अपने तीनों पत्नियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दे दी। कुछ ही दिनों में रानियों ने सुंदर बच्चों को जन्म दिया। कौशल्या ने राम को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को। बड़े होने के बाद यह चारों बहुत वीर और पराक्रमी बने। हम भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को दिए हुए श्राप के बारे में जानेंगे। क्या आपको पता है भगवान राम को सीता माता से अलग क्यों होना पड़ा था? इसके पीछे भी एक कारण है। एक श्राप के कारण राम जी को सीता माता से विरह सहना पड़ा था। तो चलिए सुनते हैं यही कहानी। एक बार देव और असुरों के संग्राम के दौरान कुछ असुर बचने के लिए भृगु ऋषि के आश्रम में आ गए। आश्रम में आए असुरों को भृगु की पत्नी अभयदान दे देती है। इससे रुष्ट विष्णु अपने चक्र से भृगु पत्नी का सिर काट देते हैं। तब नाराज होकर भृगु ऋषि ने विष्णु को मृत्युलोक में जन्म लेने और पत्नी वियोग का दुख सहने का श्राप दिया। श्राप देने के बाद भृगु ऋषि को आत्मग्लानि भी होती है। तब विष्णु जी कहते हैं कि मैं राम के रूप में जन्म लूंगा और आपके श्राप को सिद्ध भी करूंगा। पुंजिकस्थला गुरु बृहस्पति की एक सुंदर सेविका थी। एक बार बृहस्पति का अपमान हो गया। उन्होंने पुंजिकस्थला को बंदरिया बन जाने का श्राप दे दिया। बृहस्पति ने कहा कि अगर वो शिवजी के अवतार को जन्म देगी तो ही श्राप से मुक्त हो सकती है। पुंजिकस्थला ने गौतम ऋषि की पुत्री अंजना के रूप में जन्म लिया। अंजना शिवजी की भक्त थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे वरदान दिया कि वह उसके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और उसे श्राप से मुक्त कराएंगे। राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति के समय जब अग्निदेव खीर का प्याला लेकर प्रकट हुए थे, तभी एक बाज ने झपटकर उस बर्तन में से कुछ खीर खा ली। बाज की चोट से खीर का कुछ हिस्सा वही गिरा जहां अंजना शिवजी की आराधना कर रही। पवन देव ने तेज हवा चला दी जिससे खीर सीधा अंजना के हाथ में गिरी। अंजना ने वह खीर खा ली। जल्दी शिवजी ने बंदर के रूप में अंजना के पेट से अवतार लिया। वो हनुमान कहलाने लगे। पवन देव उनके धर्म पिता हुए। हनुमान के जन्म के साथ ही अंजना श्राप मुक्त हो गई। उसके स्वर्ग लौटने से पहले हनुमान ने उनसे अपने आगे के जीवन के बारे में पूछा। अंजना ने प्यार से कहा, वे हमेशा अमर रहेंगे। जब कैकेयी बच्ची थी तो एक ऋषि उसके पिता से मिलने आए। चंचल बालक कैकेयी ने उनका मुंह काला कर दिया। ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने बालक को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जिसने उनके मुंह पर काली पोत दी है, बाद में उनकी इतनी बदनामी होगी कि वो कभी भी किसी का सामना नहीं कर पाएगी। ऋषि के शब्दों से कैकेयी डर गई और उसने उन्हें लोहे की छड़ी देकर शांत करने की कोशिश की। ऋषि ने कहा कि वो इतनी विचारशील थी कि उसने उन्हें अपने खेलने का सामान दे दिया, इसलिए वो उसे आशीर्वाद देंगे। वो जब चाहेगी तब उनके हाथों को लोहे में बदल सकेगी। इस आशीर्वाद से कैकेयी को उनकी शादी के बाद फायदा हुआ
और श्राप के परिणाम स्वरूप राम जी को वनवास भी हुआ। राम जी को वनवास होने का कारण तो हमें पता ही है, लेकिन दशरथ जी ने कैकेयी को 2 वरदान क्यों मांगने को बोला था, ये कारण शायद चुनिंदा लोगों को ही पता होगा। कल हम इसी की कहानी सुनेंगे। दंडकारण्य में एक बार देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ। राजा दशरथ भी उनकी रानी कैकेयी को लेकर इंद्र की सहायता के लिए गए। युद्ध में शक्तिशाली शंबर ने दशरथ को घायल कर दिया और वे अचेत होकर गिर पड़े। कैकेयी ने तुरंत रथ युद्ध स्थल से निकाल लिया और उनकी जान बचा दी। दशरथ जी कैकेयी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे 2 वरदान देने का वचन दिया। कई सालों बाद राजा दशरथ ने अयोध्या का राजकाज अपने बेटों को सौंपने का निश्चय किया। वे राम को अगला राजा बनाना चाहते थे। कैकेयी की दुष्ट दासी मंथरा ने कैकेयी को भड़का दिया और उससे बोला कि राजा का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि भरत तो राम से अधिक योग्य है, इसलिए राज्याभिषेक भरत का होना चाहिए। कैकेयी ने कहा, राम भी उसके बेटे के समान है और भरत भी राम का बहुत आदर करता है। मंथरा ने समझाया, राम राजा बनने के बाद बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, बाकी सबको उसके अधीन रहना पड़ेगा। इस तरह मंथरा ने कैकेयी के मन में विष घोल दिया। मंथरा ने कैकेयी को याद दिलाया कि दशरथ जी ने उसे 2 वरदान दिए हैं, वो वरदान मांगने का यही उचित समय है। कैकेयी मंथरा के कुचक्र में फंस गई और उसने दशरथ से 2 वरदान मांग लिए। कैकेयी चाहती थी कि उसका बेटा भरत अयोध्या पर राज करे। उसने राजा दशरथ को उसे दिए 2 वरदान याद दिलाए। राजा दशरथ ने कैकेयी से मनचाहा वरदान मांगने को कहा। कैकेयी ने भरत को युवराज बनाने और राम को 14 साल के लिए वनवास की मांग की। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि राम को इतना अधिक प्यार करने वाली कैकेयी ऐसी क्रूर हो सकती है। दुखी हृदय से दशरथ ने कैकेयी से इतनी निर्दयता ना दिखाने का अनुरोध किया, लेकिन वह अड़िग रही। कैकेयी ने उन्हें हर हाल में अपना वचन निभाने की पारिवारिक परंपरा की याद भी दिलाई। इस प्रकार कैकेयी के कारण राम जी को 14 साल का वनवास मिला। गर्ग संहिता की कथा के अनुसार मंथरा पूर्व जन्म में दैत्य विरोचन की पुत्री थी। दैत्य विरोचन बहुत बड़ा दानी था। उसने दान में इंद्र को अपना सर दे दिया था। जब इंद्र के छल के कारण विरोचन मारा गया तो उसकी पुत्री मंथरा को बहुत दुख हुआ, जिसके बाद दैत्य भी निराशित हो गए। वो मंथरा की शरण में गए। मंथरा ने उनको रक्षा का आश्वासन दिया। फिर दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण किया तो मंथरा ने नागपाश में देवताओं को बांध दिया। इंद्र किसी प्रकार से बच गए और वो भगवान विष्णु की शरण में चले गए। भगवान विष्णु ने इंद्र को एक शक्ति दी, जिसका प्रयोग उसने मंथरा पर किया। उस शक्ति के प्रभाव से सभी देवता नागपाश से मुक्त हो गए और मंथरा मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। उस शक्ति के प्रभाव से मंथरा के अंग कुबड़ हो गए। जब वह अपने राज्य में गई तो मंथरा को कुरूप देखकर राज्य की प्रजा उससे घृणा करने लगी। दैत्य और असुर भी उसका अपमान करने लगे। इस कारण से मंथरा को बहुत दुख हुआ। वो मन ही मन भगवान विष्णु से नफरत करने लगी और उन असुरों से भी जो उससे घृणा करते थे। इस दशा में उसकी मृत्यु हो गई। अगले जन्म में वो कैकेयी की दासी बनी, परंतु इस जन्म में भी वो कुबड़ी ही हुई। इस जन्म में भी वो अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उसके मन में भगवान विष्णु के लिए शत्रुता थी। वो असुरों से भी नफरत करती। इसी कारण से उसके द्वारा ऐसा कार्य किया गया कि राम जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्हें वनवास हुआ और वनवास के दौरान उन्होंने असुरों और राक्षसों का नाश किया। इस तरह मंथरा ने उन असुरों से भी बदला लिया जिन्होंने उसका अपमान किया था और भगवान विष्णु से भी शत्रुता निभाई, जिसकी वजह से उसकी ये दशा हुई थी।